आपके स्क्रीन पर और अब उसको हम टेबल में डाल देते हैं इक्कीस हज़ार शॉर्ट थे अब तीस हज़ार शॉर्ट हो गए ध्यान रखिएगा ये एक समय पे नेट लॉन्ग थी मार्केट की पोजिशनिंग कॉलर पुट के आंकड़े आएंगे लेकिन उन पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा निकल कर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं हाँ इस आंकड़े में कुछ छोड़ देते हैं इसको अगले आंकड़े पर आते हैं इंडिया वेक्स चार नीचे था फिफ्टीन पर आया ये एक अच्छा इंडिकेटर है पुटकॉल रेशो इंटरेस्टिंग था हो सकता है एक्सपायरी हो गई इसकी वजह से एक वीकली एक्सपायरी हो गई इसकी वजह से अगर ये पुटकॉल जिशो पॉइंट सेवन एट पर ही रहता ना तो मैं बहुत बुलिश होता मार्केट पर क्योंकि लेकिन ये ऑलरेडी वन पॉइंट वन फोर पर आ गया है तो इसके लिए थोड़ा सा और अगर आप गैप अप के साथ खुलेंगे तो वापस ये हो सकता है वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री फाइव तक पहुँच जाए तो देख लेते हैं आज जैसा मैं कह रहा हूँ अप का टिकना बहुत ज़रूरी है और बैन की जहाँ तक बात है तीन स्टॉक्स जो ऐड हुए हैं जी एन एफ सी एन एम डी सी और पिरामल एंटरप्राइजेस ये तीन स्टॉक्स बैन में एड हुए हैं और वो जो वेंसडे के सोलह है, हैं वो सोलह सोलह एज इट इज हैं बैन से निकला नहीं कोई तो उन्नीस स्टॉक्स एफ बैन में जो कि एक नया रिकॉर्ड है <laughs> उन्नीस स्टॉक्स वायदा के कर्ब में लेकिन यह पूरा पूरा इस समय का ट्रेड सेटअप अब चला जाए निफ्टी के अप्रोच पे कुछ बढ़िया सी कमेंट्री तो हमने पहले ही सुन ली थी कि हम बहुत क्रूशियल जोन्स के अगर ये गैप वाकई इस तरह के गैप अप के साथ शुरुआत हो रही है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के बीचों बीच शायद खुल रहे होंगे थोड़ा तो सा वापस इनडिसाइसिवनेस की स्थिति ऐसे में वो लेवल्स कौन से जो वॉच आउट करना है कैसे रणनीति बनाए क्या स्ट्रेटेजाइज करें इस गैप के बाद वो समझ लिया जाए क्या करना चाहिए निफ्टी में देखिए निफ्टी में पहले तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी जहाँ आप खुल रहे हैं 24325 से 24385 मैं सौ कर रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर सही है और आप 180 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलते हैं तो आप सीधा 24325 पर खुलेंगे जो आपका 10 डे एम है और उसके बाद चौबीस तीन जो आपका 20 डे एम है मैं फिर बोल रहा हूँ ये खरीदने का जोन नहीं है क्योंकि हमारी मार्केट का टेक्स्चर जो है पिछले तीन चार दिन से वो सेलोन रैली का रहा है इसके लिए ये ख़रीदने का जोन नहीं है और उसके बाद एक ब... बड़ी रेजिस्टेंस भी बहुत करीब है चौबीस चार सौ पच्चीस से चौबीस चार सौ पचहत्तर पिछले हफ्ते यही वो दो लेवल्स है जहाँ से हमने कोलेप्स होना शुरू हुआ शुरू किया था अच्छा अब इन लेवल्स के सिग्निफिकेंस मैं ऐड कर देता हूँ एफ नेट लॉन्ग थे और एफ ने उसके बाद शॉर्ट पोजिशन ऐड करनी शुरू करी वो शॉर्ट पोजिशन एफ आई एस ने कहा कहाँ कहा से ऐड करनी शुरू की थी इन्हीं लेवल से चौबीस से चौबीस तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एफ शॉर्ट है वो चौबीस से शॉर्ट है उसके बाद चौबीस चार सौ पच्चीस वाला शॉर्ट है फिर चौबीस तीन सौ पचहत्तर चौबीस तीन सौ पच्चीस इसके लिए ये लेवल्स जो है ना, ये तीन चार लेवल्स ये बहुत क्रूशल है ये जो एफ आई हैं, शॉर्ट्स ये नहीं चाहेंगे कि ये लेवल क्रॉस हो और हो सकता है वो हायर लेवल पर और शॉर्ट भी करें इसके लिए इन लेवल्स का निकलना ज़रूरी है अगर चौबीस चार सौ पचहत्तर निकल गया आशीष तो मार्केट में इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी फिर जो आपकी कंप्लेन है ना कि हम ग्लोबल के मुकाबले काफ़ी कम गैप अप दिखा रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगी तो इसके लिए उस, उस लेवल को अगर आपने क्रॉस करना शुरू किया तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग जो सीधा आपको चौबीस तक भी लेके जा सकती है लेकिन ऑब्वियसली वन स्टेप एट अ टाइम सपोर्ट कहाँ पर है सपोर्ट है चौबीस एक सौ से चौबीस एक सौ पचास वेंसडे की रेंज बहुत छोटी रेंज थी वेंसडे की और उसके बाद बड़ा सपोर्ट जो आपका पैनिक लो रहा है तेईस नौ सौ से चौबीस हज़ार रहा तो अब करना क्या है यहाँ पर देखिए दो अप्रोच है एक पहली अप्रोच तो ये कि अगर चौबीस तीन सौ पिचासी फेल हो तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें और स्टॉप लॉस रखें चौबीस चार सौ पचास का अगर चौबीस तीन सौ पचासी फेल हुआ तो लेकिन बाय कहाँ करना है बाय करने के दो तरीके हैं आपके गैप अप हो जाए वो देख लें वो टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है अगर वो गैप अप टिक जाए 45 मिनट से करीब तो आप बाय कर लें और डे लो का स्टॉपलस लगा दें या फिर गैप अप फेल हो और लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हो जहाँ बेस फॉर्मेशन हो उस बेस फॉर्मेशन के आसपास आप खरीदें और डे लो का लॉस लगा दें ये अप्रोच रहेगी मेरी बेसिकली इस समय मार्केट में निम्बल फुटेड रहे दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहे जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऊपर जाएंगे क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट की वजह से गिरे नहीं थे पिछले तीन चार दिन से तो ये मेरी एक अप्रोच है हाँ एक चीज है अगर एक सेक्टर है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं वो है आईटी मैं कुछ देरों में बिग स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा इवन तो रैली हो चुकी है लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी क्योंकि फंडामेंटली थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं इस पर आप फोकस कर सकते हैं आज रखिए जिस तरह की ग्लोबल कमेंट्री के समीकरण बैठ रहे थे जिस तरह का ग्लोबल मूड है के बाद आज फिर से ये पूरा रडार ये पूरा पॉकेट पे। है निफ्टी के ब्यूटीफुल समीकरण आपके सामने निफ्टी बैंक वेनसडे को हल्की कमजोरी एक चौथाई फीसदी का दबाव और आज सुबह की कमेंट्री कहती है कि फिफ्टी वन टू हंड्रेड की अहमियत और वो सिग्निफिकेंट समझानी थी अब कमेंट्री में मैं उसका इंतजार कर रहा हूं अगर गैप के साथ खुल रहे हैं उसी टेरिटरी के आसपास पास शायद जा रहे होंगे फिफ्टी वन टू हंड्रेड की क्यों अहमियत है और क्यों बहुत डिसाइसिव है वो लेवल और हमारी स्ट्रैटेजी आज निफ्टी बैंक की क्या होगी बिल्कुल तो देखिए पहली चीज़ तो ये आशीष बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का वेंसडे का लो जो था फोर्टी नाइन सिक्स फिफ्टी फोर कहने को अगस्त सिक्स के लो से बीस पॉइंट नीचे था लेकिन मोर और लेस आपने ये लेवल बचा लिया और इस लेवल की सिग्निफिकेंस इसलिए थी क्योंकि अगर ये लेवल टूटता तो अगला बड़ा सपोर्ट आपका सीधा 200 हंड्रेड डे मूविंग एवरेज पर आएगा जिसकी मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा हूँ ठीक है अब मैं आता हूँ कि अगर ये लेवल होल्ड कर गए तो किस लेवल के रेजिस्टेंस है और उनके सिग्निफिकेंस आपने पूछी और मैं मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा देखिए बैंक निफ्टी कितना ओवरसोल्ड है इसका नेचर देखिए आप टेन डेमा प्लेस है पचास पाँच सौ पर मतलब यहाँ से अगर आप आठ सौ पॉइंट की रैली करेंगे तब भी आप टेन डेमा पर जाएंगे और ट्वेंटी डेमा प्लेस से इक्यावन हज़ार पर इक्यावन दो सौ की सिग्निफिकेंस ये है कि इक्यावन हज़ार के डे डेमा से 200 पॉइंट का क्वेश्चन वो चाहिए तभी मार्केट में रैली सस्टेन करेगी वरना रैली फेल करेगी अगर वो लेवल डिफेंड नहीं हुए तो।, तो इसके लिए उस फिफ्टी वन की सिग्निफिकेंस है अब इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आप कोई ही ना लें अगर मार्केट आपको मौका दे रहा है और अगर आपको लग रहा है एक बार सपोज करिए आप पचास हज़ार पे खुलते हैं पचास एक सौ पे खुलते हैं और टिक रहे हैं और एक बार के लिए आपको लग रहा है कि इक्यावन हज़ार को टेस्ट कर सकता है तो भी 800-900 पॉइंट है तो वो ट्रेडर समझता है उसको इस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है फोर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड टू फोर्टी नाइन सेवन हंड्रेड जो कि अगस्त के लोज़ हैं और उसके बाद सीधा बड़ा सपोर्ट फोर्टी नाइन थाउजेंड पर बैंक निफ्टी में मैं आज कोई बाईस सेल की अप्रोच नहीं लेकर चल रहा हूँ आशीष क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है और इसमें ट्रेड लेना बहुत टफ़ है बहुत ज़्यादा इसमें स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी हमारी इसके लिए मैं कोई प्री मेडिटेटेड बाय सेल लेके नहीं चल रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है वॉच आउट करेंगे खैर गाइड करने के लिए सब स्क्रीनस पे होंगे ये हो गई ये बताओ आप वापस कब आ रहे हो मैं वापस आ रहा हूँ अब आज मं, रात मंडे को मुलाकात होगी कहने या कल सुबह मंडे को मैं होऊंगा मंडे को मैं मंडे को मैं स्टूडियो में होऊंगा मैं वीकेंड पे हूँ वहाँ पर मैं okay. आज मतलब टेक्निकली कल सुबह-सुबह की फ्लाइट है मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है ओके चलिए सेम इसी वास्ते मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है कुछ